हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हैं आप भी अच्छे होंगे। तो आज हम सुबह ब्रेकफास्ट में बना कर लाए टी मिनी डोसा। उसके बाद हम लोग आ गए एक गाने पर डांस करने के लिए और थोड़ी मस्ती करने के लिए। सुबह का टाइम था, नाश्ता करने के बाद हम दोनों मस्ती कर रहे थे। बच्चों की इस टाइम छुट्टियां चल रही हैं तो हम मस्ती करते हैं थोड़ी सी देर। फिर हम लोग एक सॉन्ग पर परफॉर्म करने लगे, ऐसे ही ट्राई कर रहे थे। आप लोग गैस करिए कौन सा सॉन्ग है जिस पर मैंने परफॉर्म किया है। फिर अब थोड़ी देर में मैं खाना बनाने के लिए किचन में जाऊंगी। चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ अब किचन में। और आज मैं बनाऊंगी कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पर ये बेसन का घोल बना के रखा हुआ है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कढ़ी बनाना। कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया था थोड़ा सा ऑयल, उसमें जीरा, हल्दी और हींग पाउडर और मिर्च। हम लोग तो यही डालते हैं क्योंकि हम लोग बेसिक कढ़ी बनाते हैं नॉर्मल। और देखिए, मैंने इसमें मलाई डालकर उसमें बेसन में दही का घोल डाल दिया है। उसके बाद अब ये मेरी कढ़ी बनकर रेडी हो गई है, उबाल आ रहा है। तो कढ़ी को जब तक चलाते हैं जब तक उसमें उबाल नहीं आ जाए। उसके बाद मैंने कुछ पकौड़ियाँ बनाकर रखी हुई थी कढ़ी में डालने के लिए, वो मैं डाल रही हूँ इसमें। और मैंने डाल दिए, अब मेरी कढ़ी हो गई है रेडी। देखिए बताइए कैसी लग रही है, खाने में तो अच्छी बनी थी, आप लोग बताइए देखने में भी अच्छी लग रही है। मेरी प्लेट तैयार हो गई है, सब्जी, राइस और कढ़ी। फिर उसके बाद मैंने अब होली की तैयारियाँ करनी शुरू कर दी है। तो ये मूंग की दाल की पकौड़ी बनाई हुई है, देखिए ये कैसी बनी है। उसके बाद हम लोग शाम को आ गए हैं होली सम्मेलन में। एक हरि कीर्तन होली सम्मेलन हो रहा था तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे, हमने मस्ती करी और फूलों वाली होली को देखा, एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम दोनों ने भी थोड़ी बहुत फूलों वाली होली को खेला। फिर देखिए यहाँ पर कैसे बच्चे फूलों की होली खेल रहे हैं। फिर हम लोग आ गए घर पर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।